भी ठीक नहीं हुआ। तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन तुम ना मुझे चाहती हो ना ही मेरे साथ। छोड़ क्यों नहीं देते हमें? छोड़ना हाल नहीं है तो क्या है हाल? साथ रह के अपना ही रखना, दूसरे को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लेना ताकि वो खुद को आपके हवाले कर दे। अगर कोई तुमसे इश्क करने लगे तो क्या करोगी तुम? नॉट पॉसिबल, आजकल इश्क कहाँ होता है। चलो मान लो अगर हो जाए तो क्या करोगी तुम? रूमी की तरह शेप दूंगी, कलंदर की तरह धमाल डालूंगी, तुझे पल में भुला दूंगी, अमन सूख की तरह सूली चढ़ जाऊंगी। ये क्या है? तुम्हारी शादी का जोड़ा और ये ज्वेलरी तुम्हारे ससुराल से आई है और कल तुम्हें तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन आएगी। हद है यार, क्योंकि अब तुम्हें तैयार घर पे कराया जा रहा है इसलिए कि कहीं तुम भाग ना जाओ। चलो छोड़ो, ये देखो ज्वेलरी कितनी प्यारी ज्वेलरी है और जोड़े के साथ मैचिंग भी है, देखो। और दिखा वो भी तो, ये वो भी दिखा। हाँ ये भी है। ये क्या है? ये क्या हुआ? ये वो मरियम की शादी का जोड़ा और उसका जेवर। हाँ लेकिन ये क्या हुआ, क्या है? मरियम को पसंद नहीं आया क्या? पसंद तो आ जाते लेकिन मरियम और इसकी जिद।
कि मीरब को बुलाओ, वो मुझे तैयार करेगी, वरना वो रुखसती नहीं लेगी। लेकिन आप नहीं फिक्र करें माँ बेगम, मैं इसे जोड़ा पहनाकर और हार सिंगार करवाकर आपके सामने दुल्हन बनाकर लेकर आऊंगी। नहीं आएगी वो नीचे, मुझे पता है वो लड़की कभी नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? अपनी हट की पक्की है वो। मेरी तरह और मुर्तसिम की तरह हमारे खून में है ये। मैं समझी नहीं। तुम नहीं समझोगी। बस रहने दो, अपना काम करो। क्या जरूरत है तकल्लुफ की? तुम लोगों ने तो खामखा इतना अहतमाम कर लिया। आपका यहाँ आना हमारे लिए बायस शर्फ है माँ बेगम। हाँ वकास, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो। लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम कुछ नाराज लग रहे हो। मेरी बेटी घर बैठी है भाभी बेगम। मैं परेशान हूं, नाराज नहीं। तुम्हारी परेशानी तो दूर करने आई हूं मैं। मीरब को घर ले जाने आई हूं। हैरान हो रहे हो? आपने तो कहा था कि मीरब को सजा के तौर पे वापस ना भेजो। अब तुमने इतनी अच्छी तरह मुकदमा लड़ा है और जीत भी लिया है तो फिर सजा कैसी? आप क्यों लेने आई हैं मुझे? इसलिए कि ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा घर वो है जहां मुर्तसिम है। चलो घर चलते हैं। तो वो लेने आता ना जिसे हाथ पकड़कर छोड़कर गया था, वैसे ही हाथ पकड़कर लेके जाएगा तो मैं जाऊंगी। ये मुर्तसिम की मां का हाथ है, तुम्हें घर चलना होगा। मेरा बेटा बहुत बेचैन और बहुत उदास है जब से तुम वहां से गई हो। चलो लेकिन आप तो नहीं चाहती थी कि मैं उस घर में रहूं। मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मरियम ने शर्त रखी है कि जब तक तुम नहीं आओगी वो रुखसत नहीं होगी। मुझे पता था
मुझे पता था मरियम कभी भी मेरे बगैर उस घर से रुखसत नहीं होगी। हाँ, बस मरियम की इसी शर्त के सामने मैं बेबस हो गई। मुझे लगा आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया है? मान लिया मैंने कि तुम्हें नहीं पता था कि वो मलिक जुबैर है, लेकिन तुम मुझसे कुछ तो कहती, मुझे मुझे बता तो सकती थी ना। माँ बेगम, जैसे आज आप मरियम की शर्त की खातिर मजबूर होकर यहाँ आई है ना, वैसे ही मैं उसके वादे के आगे मजबूर। हम अपनी जिंदगी में कुछ भी करते हैं, अच्छा बुरा सही गलत, किसी ना किसी मजबूरी के तहत करते हैं। मैंने भी इसलिए कर दिया। और भाभी बेगम, इसका मतलब ये हरगिज नहीं था कि मीरब को घर से ही निकाल दिया जाता। अब तो मैं चाहकर भी मीरब को उस घर से नहीं निकाल सकती। कि मेरा बेटा मुर्तसिम इसके बगैर नहीं रह सकता। जब से ये गई है वो अजीब खोया खोया सा रहता है। चलो घर चले। तुम्हारे दिल में मेरी जगह पर नहीं लगने लगा था। दूरियां खत्म हो रही हैं ये भी लगने लगा था, लेकिन सब कुछ भी नहीं। मुझे बोलने का मौका तो दो प्लीज। प्लीज कुछ मत कहो मीरा, सबके सामने जश्न में बाकी है। पर खुद यहां पे वजह फरमाया आपने भाभी बेगम, आपकी परेशानी भी बायस फिक्र है, लेकिन मैं मीरब को आपके साथ नहीं भेज सकता। मकास, कैसी बातें कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम पर बहुत कड़ा वक्त गुजर रहा है, और मैं तुम्हारे पास यहां एक दरखास्त लेकर आई हूं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी इज्जत करते हो, लेकिन तुम मुझे इतना तो मोतबर समझो कि मैं अपनी बहू को घर ले जा सकूं। मैं मीरब को आपके साथ नहीं भेज सकता भाभी बेगम। ना ही इस पे कोई जोर जबरदस्ती कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये खुद अपनी मर्जी से जाना चाहे तो मैं जाना चाहती हूं। मुझे मरियम की खुशी बहुत अजीज है। Thank you.
अरे वाह, मुझे तो लगा तुमने तैयार होने से इनकार कर दिया होगा, जोड़ा उठाकर फेंक दिया होगा। लेकिन नहीं, तुम तो पूरा हार सिंगार करके बैठी हो, रुखसती का इंतजार है, बस बारात आ जाए। कुछ कहोगी नहीं? मुझे नहीं करना, मुझे अनस से शादी करनी है, नरेश से शादी नहीं करनी, तुम मेरी बहन नहीं हो, बस मीरा मेरी दोस्त है, हम दोनों एक पार्टी हैं। पागल, इतने बड़े कॉल नहीं बोलने चाहिए जो पूरे ना हो और इस तरह मुंह की खानी पड़े। हया, बारात आ गई। अच्छा, माँ बेगम आ गई पार्लर से तैयार होके? हाँ, वो भी आ गई। ठीक है, हम आते हैं। चलो, बारात भी आ गई और मीरब तो है नहीं, मुझसे गुजारा चला लो, आ जाओ। वैसे भी देखा जाए तो नरेश से तुम्हारी शादी मेरी वजह से हो रही है। मरियम, अभी भी तुम्हें मीरब के आने की उम्मीद है? माँ बेगम नहीं आने देंगी उसे, मुर्तसिम उसे नहीं अपनाएगा, छोड़ दो ये ठीक पर, चलो मेरे साथ आ जाओ। मैं खुद आ जाऊंगी। मरियम अकेली आती अच्छी लगूगी। अब तक सब कुछ अकेले किया, ये भी कर दूंगी। चलो मरियम, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बाहर में जाओ फिर। मुंतसिम, अस्सलाम वालेकुम मुनीरा चाची। वालेकुम सलाम। कैसी हैं नीला चाची आप? ठीक हूँ मैं। मीरा अब नजर नहीं आ रही। अब यही कहीं होगी? Thank you.
तुझे करके दिखा दूंगा किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगा किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगा। I'm sorry, गलती से तुम्हारे साथ आके खड़ी हो गई थी। तुम शायद हया का इंतजार कर रहे थे। रोहिल कहाँ है? नजर नहीं आ रहा, लाई नहीं उसे साथ? In fact, मुझे उसी के साथ आना चाहिए था। हाथ में हाथ डाल के, उसका हाथ बचेगा तो उसका हाथ पकड़ोगी ना? जी आप कौन? मैं भक्तू। आप रोहिल हैं? जी। मुर्तसिम खान ने आपको सलाम भेजा है। क्या किया तुमने? कुछ नहीं, बस अपना सलाम भेजा है। इसका मतलब? अपने मतलब नहीं समझाता मैं। तुम्हारी इन धमकियों से डरती नहीं हूं। बिल्कुल डरोगी भी क्यों? बहुत हिम्मत वाली हो, बहुत डेरिंग। मेरी बीवी हो कि अपनी दोस्ती निभा रही हो। लेकिन इसे डेरिंग होना नहीं कहते, ये शर्मी कहते हैं। हमेशा की तरह मुझे गलत ही समझना तुम। अफसोस की बात है। बयान से चलो। तुम तो यही चाहते थे ना? बहुत अच्छा वक्त गुजारो हया के साथ।
मीरब, मुझे पता था, मुझे पता था कि तुम एक दिन खुद मेरे करीब आओगे। मुझे लगा कि तुम हो। तुमने मुझे बुलाया यहां? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इसने बुलाया होगा ना हया? हया, तुमने किया सब कुछ, बोलो। मुझसे से मैं तुम्हारी मोहब्बत में बेबस हो गई थी। इसलिए चली आई, खुद को रोक नहीं सकी। मीरब को बताओ कि मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया। तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती है? क्या बकवास कर रही हो? इस पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है मुर्तसिम। इसको तो तुमसे इतनी मोहब्बत है मुर्तसिम, तुम्हारे एक इशारे पे चली आएगी यहां। मेरे प्राण अंडरस्टैंड, जो कुछ भी तुमने देखा है वो वैसा कुछ भी नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मुझे बस एक बच्चे ने एक पेपर दिया। कहां है पेपर? कहां है पेपर? वो कहां है? नहीं है वो पेपर। लेकिन मेरी बात पे यकीन करो, तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सच कह रहा हूं। प्लीज ट्रस्ट मी। हया, अगर तुमने सब कुछ सच अभी ना बताया, उससे बुरा कोई नहीं होगा। हया, आया। इस बार भी अगर ये वार रायगां गया तो हया की हया से कसम है, फिर जाए मोहब्बत भाड़ में, ये आखिरी बार है बस। परफेक्ट सीन था तुम उसके करीब, वो तुम्हारे करीब। अगर कुछ गलत था तो मेरा यहां आना। मेरा ट्रस्ट मी। यू नो व्हाट, व्हाट इज इट, लेट मी कॉल हर बैक। रुको प्लीज। Thank you.
हाथ क्या पकड़ लिया? तुमने हया को गले लगा लिया। मुर्तसिम खान गैरतमंद, औरतों की इज्जत का महाफिज, उसका असली चेहरा ये है। थूकती नहीं मैं तुम्हारे मुंह पे। यू नो व्हाट मुर्तसिम खान, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया, वो एग्रीमेंट साइन करवा के। तुम यही डिजर्व करते थे, तुम्हारी यही औकात थी। मेरी क्या औकात है? और उस एग्रीमेंट की क्या हैसियत है तुम्हें अभी बताता हूं। करके दिखा दूं।